हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला बुटीक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो हमारी कैंची से रिलेटेड है। ये हमारी कैंची चलते चलते और ख़राब हो गई है, अब ये कपड़ा नहीं काटती है। दोस्तों, क्या होता है कि हम अगर मार्केट कहीं भी जाएंगे तो 40 से 50 रुपये लग जाते हैं, तब इसमें सान रखवाते हैं और ऊपर से समय भी हमारा ख़राब होता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहें तो घर पर ही इसकी रिपेयरिंग कर दें और ये आसानी से चलने लगेगी। दोस्तों, देख सकते हैं, हम आपको कपड़ा काट के दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है कैंची में। दोस्तों, कपड़ा बिल्कुल काट नहीं रही है, देख सकते हैं दोस्तों, कपड़ा बिल्कुल काट नहीं रही है और ये एकदम डैमेज हो गई है। तो दोस्तों, इसे हम कैसे रिपेयर करें, क्या क्या करना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश, हाथ जोड़ के जो भी माताएं, बहनें, भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, कैंची को रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना है, इस पर मशीन का तेल आप लगा सकते हैं अथवा पानी लगा सकते हैं, जो भी आपको आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं। इससे हमारी धार पलटेगी नहीं और आसानी से हम इसे रिपेयर कर देंगे। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्केट जाना है। मार्केट जाएं अथवा आपके पास अगर ये वाला रेग माल रखा हो जो कि लोहे पे घिसने के काम आता है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसके इस वाले पर्त पे करें, उसके बाद उसके सेकंड पर्त पे करें। तो दोस्तों, ऐसे करके हमें घिसना है। दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे जंग लग जाती है और यहाँ पे धार मोटी हो जाती है, तो साइड में हम जब ऐसे करके इसे घिसेंगे तो हमारी धार यहाँ पे एकदम चिकनी हो जाएगी और धार अच्छे से काम करने लगेगी। तो दोस्तों, ऐसे करके हम इसे बराबर ऐसे करेंगे ताकि हमारी धार एकदम सही हो जाए और हमारी इसकी गंदगी लगी हुई है वो भी छूट जाए। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी बारिश के मौसम में भी जंग आ जाती है अथवा कोई चीज़ ऐसी चीज़ कोई फ्रूट वगैरह हम काट देते हैं तो इससे हमारे इसमें निशान पड़ जाते हैं और हमारी कैंची काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ऐसे ही हमें इस साइड भी करना है, आसानी से करें। दोस्तों, ऐसे करके आराम से करें। दोस्तों, धार के ऊपर रेगमाल ना लगाएं, अगर धार के ऊपर लगाएंगे तो धार पलट जाएगी, फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगी कैंची, फिर आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, तभी आपकी ठीक हो पाएगी। दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे नेक दबाव लगा के और सही से इसे घिसें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कितनी गंदगी इससे निकल रही है। दोस्तों, यही गंदगी की वजह से हमारी कैंची सही नहीं चलती। अब दोस्तों, क्या करें, हमें तिरछी धार पे हमें ऐसे करना है, ना कि सीधी सीधी पे नहीं करना। कुछ लोग सीधी सीधी पे करके कैंची को ख़राब कर देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से वीडियो को देखा करें और देखने के बाद उसके बाद तब ऐसा करें, नहीं तो आप लोगों की कमेंट आती है कि हमारी कैंची ख़राब हो गई, क्योंकि आप लोग सीधी सीधी धार पे लगा देते हैं, सान रख देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमारी कैंची गड़बड़ हो गई। तो मेहरबानी करके ध्यान से देखें, ऐसे करके हमें तिरछी धार पे, जिसका तिरछा पर्त होता है उस पे चलाएं, ऐसे करके से भी ऐसे करके तिरछी धार पे चलाएं, ना कि सीधी धार पे। अगर आप सीधी धार पे चलाएंगे तो कैंची आपकी बेकार हो जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, तिरछी धार पे चलाएंगे तो हमारी कैंची एकदम सही हो जाएगी और अच्छे से वर्क करने लगी। अब दोस्तों, इसे हम साफ़ कर लेते हैं, गंदगी इसकी साफ हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी गंदगी एकदम साफ हो गई है और ये क्लीन हो गई है। दोस्तों, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी आप ऐसे करके कर लें। दोस्तों, एक बार आपको किसी लोहे की रॉड से आप ऐसे करके एक बार ज़रूर कर लें। अब हम आपको कैंची चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको कैंची से कपड़ा काट के दिखाएंगे, यही कपड़ा नहीं कटता था, देख सकते हैं दोस्तों, और कपड़ा आराम से हवा में बातें करने लगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों,
आराम से काटें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यही था मेरा वीडियो, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।